अच्छा मुझसे बात मत करो, मुझे प्लीज तंग मत करो, मुझे कुछ बोलो मत, मुझे मेरे हालत पे छोड़। तू एक इंसान का धजिया उड़ाना उसके पर्सनालिटी की नेशनल टेलीविजन पे इज नॉट कूल। उसके लिए लड़ रहे हो तो भाई लड़ो फिर मेरे से। दोस्तों शॉकिंग एलिमिनेशन की बात करें तो आपको पता ही है कि देर रात हो गया है यहाँ पर एक शॉकिंग एलिमिनेशन जिसका नाम है विशाल पांडे। जी हाँ साथियों, आपको पता ही होगा कि विशाल पांडे का शॉकिंग यहाँ पर इविक्शन हो चुका है और इसी के ऊपर उन्होंने मीडिया के सामने खुलासा किया है बहुत सी बातों का, अरमान मलिक से लेकर यहाँ पर बिग बॉस मेकर तक का। तो क्या क्या उन्होंने कहा है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप कर देना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। जैसे कि साथियों आप सभी को पता है कि यहाँ पर विशाल पांडे को देखने के लिए लोग बैठे थे तो वो टॉप 5 में तो जरूर ही डिजर्व करता था, ठीक है साथियों, ये तो सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर बिग बॉस मेकर्स ने अपनी चाल खेली और यहाँ पर निकाल दिया बाहर यहाँ पर विशाल पांडे को। और साथियों बात ही करें यहाँ पर, जब उन्होंने मीडिया के सामने आए तो बहुत सी बातों का खुलासा किया। मीडिया ने सबसे पहले तो उनसे एक सवाल पूछा कि भाई आप अपने शॉकिंग एलिमिनेशन के बारे में क्या कहना चाहोगे, वैसे भी लोग आपको चाहते थे कि आप टॉप 5 में तो जरूर पहुँचे लेकिन आपको यहाँ पर देर रात इविक्ट कर दिया, तो इस पर आपकी क्या राय है। तो वहाँ पर यहाँ विशाल पांडे ने कहा कि भाई मैं आप खुद हैरान हूँ इस बात से लेकर कि भाई मैं तो खुद टॉप 5 में डिजर्व करता था, मेरे से भी कम डिजर्विंग जहाँ पर कैंडिडेट वो टॉप 5 में बैठे हुए हैं, जैसे कि कृतिका होगी, साई केतन हो गया और तो और यहाँ पर नेजी भी हो गया, वे मेरे से कम डिजर्विंग है और वो उन्होंने कुछ ऐसा किया भी नहीं है, मैं तो अच्छे से मेरे पॉइंट रखता था, अच्छी बातें भी करता था, हाँ कुछ इंसिडेंट हुए हैं जो कि मैंने खुलासा उनका भी किया, उसमें भी मेरी गलती नहीं थी। और वहीं पर मीडिया वालों ने पूछा कि भाई आपका अरमान के साथ कैसा क्या चल रहा था, कि अरमान को लेकर भी लोग ये कहते हैं कि भाई अरमान आपके बारे में बोल रहा था कि आप घर में रहना डिजर्व नहीं करते, लेकिन बाहर आके देखा तो भाई वो डिजर्व तो खुद नहीं करता, ऐसी बातें। तो इस पर यहाँ पर विशाल पांडे ने कहा हाँ ये हम एक छत के नीचे रह रहे थे, ये मेरे को भी बर्दाश्त नहीं था, लेकिन जब बिग बॉस ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया कि उनको पनिशमेंट दी गई है, बट वो पनिशमेंट भी सीरियस नहीं थी, लेकिन जो वे बातें रखता है वो मुंह खुला उठवाते हैं, कुछ नहीं मिलावटी बातें बोलता है, कुछ खास नहीं है, कोई डिजर्विंग नहीं है, बट हाँ माइंड का गेम खेलता है और बस एक बात को दोहराता रहता है, ये उसका कारण है। और साथ ही वहीं पर मीडिया वालों ने सवाल पूछा था कि घर में एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था, उस पर आपकी क्या राय है, आपकी कोई गलती थी या क्या था, और बाहर तो ऐसा सिनेरियो सेट है कि आपकी गलती नहीं थी, अंदर का सिनेरियो तो आपने पता ही है कि आपको ही यहाँ पर गलत ठहराया गया था और आपको यहाँ पर थप्पड़ का जवाब में वहाँ पर कह के अरमान को बाहर भी नहीं निकाला गया था। तो इस पर भी यहाँ पर क्या है, विशाल पांडे ने कहा है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने वहाँ पर तारीफ की थी, लेकिन मेरी गलती मैं नहीं मानता हूँ, मैं अभी भी यहाँ कहता हूँ कि जो मैंने कहा था कृतिका भाभी को लेकर वो कृतिका भाभी की तारीफ थी और मैंने उनकी तारीफ मुँह पे भी की थी और पीठ पीछे तो मैंने बोले ही दिया था ऐसे ही जो नॉर्मल बातें बोलते हैं, और हाँ जो मैंने उनको ये बोला था कि वो लकी है, लकी वाला पार्ट भी मैंने उनको समझा दिया था कि वो इसलिए लकी है क्योंकि आजकल ऐसी बीवियां नहीं मिलती है जो दिन रात उनकी सेवा करे, जैसे कि कॉफ़ी बनाना, चाय बनाना, खाना बनाना, हर एक बात में उनसे पूछना क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर अरमान मलिक को कहा था कि लकी है जो कि इन्हें ऐसी बीवियाँ मिली है, और मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ऐसा कोई गलत मेरा इंटेंशन था ही नहीं जो कि वहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है बिग बॉस के अंदर, जो कि मेरे जो है नेशनल टीवी पर मेरी बेइज्जती करने के लिए भी ऐसा कुछ किया गया था, मेरे को पता भी नहीं है, हालांकि मेरी कोई ऐसी गलती नहीं थी जिसकी मैंने को सज़ा मिली है, और मेरा शॉकिंग एलिमिनेशन भी बहुत ही ख़राब किया है। बिग बॉस के मेकर्स ऐसे सेट कर रहे हैं सिनेरियो कि भाई सारी पार्टी जो सारे यहाँ पर जो फायदे हैं वो दूसरी इसी टीम को मिले, हमारी टीम को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। और साथियों वहीं पर जो विशाल पांडे से पूछा गया कि आप विनर किसे देखना चाहते हो और विनर कौन है आपकी नज़रों में, तो वहीं पर सेम यही विशाल पांडे ने कहा कि मेरा बड्डी यानी कि लव कटारिया ही यहाँ पर विनर देखना चाहते हैं क्योंकि वो डिजर्विंग है और डिजर्व भी करता है विनिंग में, और आपके सामने ही वो विजेता भी हो सकेगा और हो भी का। तो और बात एक ही कि भाई आप सेकंड नंबर पे किसे देखना चाहते हो, तो सेकंड नंबर पर यहाँ पर सना मकबूल का नाम लिया है, यहाँ पर आपको भी पता है कि सना मकबूल और यहाँ पर लव कटारिया ए और विशाल पांडे अच्छे दोस्त थे, बट हाँ सना मकबूल भी डिजर्विंग है ऐसा बोला है। तो इस पर आपकी क्या राय है साथियों, आपको कैसा लगा विशाल पांडे का शॉकिंग एलिमेंट जो इलेक्शन हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कॉमेंट में जरूर रखना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।